हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल बहल ब्रदर्स। तो गाइस, आज का व्लॉग रहने वाला है बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज के व्लॉग में आप सब देखने वाले हो कि दिल्ली की गलियां हमने कैसे नापी हैं, उसमें शॉपिंग करी है और ट्रैवल व्लॉग रहेगा एक तरीके से। स्टार्ट में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, कपड़े नहीं मिल पा रहे थे, चीज़ें नहीं मिल पा रही थी जो हमें चाहिए था, बट व्लॉग को एंड तक देखोगे तो सब चीज़ें बहुत सॉर्टेडली, बहुत अमेजिंगली हुई। मैंने शॉप्स के नाम भी मैंशन कर दिए हैं और बहुत से जगहों दिखा दिए जहाँ जहाँ से मैंने चीज़ें ली हैं या करी हैं, बिकॉज बहुत से डीएम्स मुझे ऑलरेडी आने शुरू हो गए थे कि जो जो भी लोग हैं, जैसे जैसे भी लोग बताना ज़रूर। तो मैंने सब कुछ मैंशन कर दिया, 10 सेकंड भी स्किप मत करना। स्पेशली बॉयज़ के लिए मैंने मैंशन कर दिए हैं शॉप्स जहाँ से आपको रिप्ड जीन्स एकदम अच्छी क्वालिटी की और नॉर्मल क्वालिटी की सब मिल सकती हैं। तो फटाफट चलते हैं वीडियो में और देखते हैं। और मार्केट में अगर आप ट्राई करते हो या देखते हो तो आपका इसको रेट पड़ता है अप्रोक्स आपको 700, मैं यहाँ पे आपको दे रहे हैं ऑनलाइन 300। बहुत सारी साइड होना, एक मिनट। और मैंने कार्ड भी ले लिया इसका, मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। न्यू यार है, बहुत कैंट कैंट अलग लेवल के कपड़े, बहुत मस्त, जस्ट 1000। तो हमने 10,000 वाली चीज़ 1500-2000 इतने में लिया मैक्स टू मैक्स। क्या करें, नहीं समझ आ रहा क्या करें। हे फैम, वेलकम टू अवर चैनल, न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, कल का व्लॉग तो अभी तक आपने चेक कर ही लिया होगा। तो कल के व्लॉग में मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि मैं दिल्ली में शॉपिंग वगैरह करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, वो आपको दिखाऊँगा, बट कल तो हो गया बड़े गंदे वाला पचका। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। और आज हम फाइनली पहुँच चुके हैं मार्केट करोल बाग। तो अभी एक एक करके आपको सब चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर हम करने आए हैं शॉपिंग और उसके बाद निकलेंगे घर। 2-3 घंटे हैं हमारे पास, तो अच्छी खासी शॉपिंग हो जाएगी। सर मान, आपको क्या लगता है, शॉपिंग अच्छी खासी हो जाएगी? पक्का हो जाएगी। तो अभी हम मार्केट में देखते हैं चीज़ें, फिर एक एक करके जैसे जैसे देखते हैं, जो जो करते हैं आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हमने ऑलमोस्ट मार्केट देख लिया, करोल बाग तो बंद पड़ा था, तो वी डिसाइडेड कि पहले हम नेक्स्ट मार्केट जो यहाँ से टैंक रोड पड़ती है उसको एक्सप्लोर कर लें और वहाँ का जो भी हमें देखनी है चीज़ें, कपड़े वगैरह या कुछ भी, वो चेकआउट कर लें। बिकॉज अगर वेट करेंगे तो ऑलरेडी लेट हैं और लेट हो जाएंगे, क्योंकि हमने शाम को निकलना भी है यहाँ से। 2 दिन का ट्रिप था बट उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज कपड़े देने आए थे मेनली और आप लोग के लिए व्लॉग्स बनाने आए थे, ट्रैवल व्लॉग्स। तो मुझे था ये सब चीज़ें आपको भी दिखानी है और अपने लिए भी सामान लेना है, तो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया हमने। सेकंड थिंग, यहाँ पे बिना मास्क के बिल्कुल भी नहीं चलने देते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, चला नहीं जा रहा है, सांस नहीं आ रही है, पर मास्क पहनना ज़रूरी है यहाँ पर। एंड हाँ, मेन चीज़ कि हम यहाँ पर करने वाले हैं रिव्यू कुछ फूड आइटम्स का, मतलब यहाँ पे फेमस है बहुत ज़्यादा, जो मैंने भी लोगों के रिव्यू सुने हैं, देखे हैं, तो आज मैं कुछ चीज़ें ट्राई करने वाला हूँ। तो ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक ब्लॉग को पूरा देखना। मिड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ या एंड में दिखाने वाला हूँ, वो आप चेकआउट करना। और भी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी, जो लोग आते हैं, मतलब स्पेशली बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स के कपड़े तो अवेलेबल हो ही जाते हैं, स्पेशली बॉयज़ यहाँ पर जो बेस्ट क्लोथिंग होगी, जिस रेट पर होगी, जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको दिखा दूँगा, सो दैट आपके लिए भी ईजी रहे अगर आप देखना चाहते हो। वैसे मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं लेने वाला हूँ, बट एज जैसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं क्लोथिंग या कुछ चीज़ों के बारे में, तो इसलिए मैं हल्का फुल्का रिव्यू देने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि क्या बेस्ट अवेलेबल हो सकता है आपको यहाँ पे। तो अभी बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, फटाफट पहुँचते हैं मार्केट, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, हमने ऑलमोस्ट मार्केट देख लिया, और अगर ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेंडी अलग सा ऐसे अवेलेबल नहीं है। अगर है भी तो लोग बोल रहे हैं कि हम होलसेल में ही देंगे, आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा। तो जो सिंगल पीस मिल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सिप्पी मोती ये वो लग रखे हैं, विच डजंट लुक नाइस और ट्रेंड में नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। मैं इसीलिए साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ कि अगर कभी आप भी आते हैं तो आपके लिए इजी रहे, आपको साथ साथ बताता रहूँ अगर मैं तो। और उसके अलावा अभी अगर एग्जैक्ट कोई दुकान मिलती है, कुछ पता लगता है, तो आपको साथ साथ बता दूँगा, ताकि अगर आप भी यहाँ पर आएँ तो आपका टाइम व्यस्त ना हो, मतलब वेस्ट ना हो। तो मैं जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, किसी शॉप पे या किसी जगह पे रुकूँगा पैंट अपर या वो देखने के लिए, कुछ ट्रेंडी सा कुछ अलग सा दिखेगा तो आपको दिखाऊँगा। गाइस, अभी फाइनली कुछ मिला है देखने के लिए, वो आपको दिखा देते हैं क्या अवेलेबल है यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हो फुल कटिंग वगैरह, और मार्केट में अगर आप ट्राई करते हो या देखते हो तो आपका इसको रेट पड़ता है अप्रोक्स आपको 700, मैं यहाँ पर आपको दे रहे हैं ऑनलाइन 300। बहुत सारी साइड होना, एक मिनट। बहुत सारी वैरायटी दिखा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं,
अंगले प्रॉपर कौन सा एरिया पड़ता है, मतलब अगर किसी को बताना हो? टैंक रोड। अगर कोई आपको लोकेशन बतानी हो आपकी तो? अच्छा, बरातगर। बरातगर उसके उनके पास है इनका स्टॉल, आप आके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत कैंट कैंट क्वालिटी की। यहाँ से मैं दो तीन तो परचेज कर लूँगा। और जिन्होंने कल वाला ब्लॉग देखा उनको पता होगा मेरी ऐसी वाली कुछ रिलेटेड जीन जल गई थी। अगर सेम मिल जाते हो सेम ले लूँगा, अदरवाइज कुछ वैसा ले लेता हूँ तड़कता भड़कता। सो अगेन वी आर गोइंग बैक टू करोल बाग मार्केट। करोल बाग मार्केट बिकॉज यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, ऐसा नहीं बोलेंगे, अवेलेबल बहुत कुछ था पर हमारे लिए कुछ नहीं था क्योंकि वह सिंगल पीस नहीं दे रहे थे। बोल रहे होलसेल में लेना है तो ले लो। और बताया जाए तो रेट्स भी मतलब इतने खास हाई नहीं थे हमने पूछे तो, बट ऑलमोस्ट सब यही बोल रहे थे कि आपको मिलेंगे 4 या 6 पीस। इसलिए हमने बोला कि इसमें दिमाग खटने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि ये दे ही नहीं रहे सिंगल पीस, क्योंकि 4-6 पीस सेम चीज़ का लेके हम मत्था तो मारेंगे नहीं, है ना, दुकान है नहीं हमारी, दिमाग खोल के बैठ जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस करोल बाग। और रास्ते में एक जीन्स वीन्स दिखी थी, बहुत कैंड थी, स्टॉल पे थी पर वो, और रेट भी बहुत जेन्युइन था, बट उसमें मुझे पीसेस इतने खास पसंद आए। तो अभी अगली मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर मिल जाती है तो जीन्स लेंगे। और उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें देखनी है, मार्केट अब तक तो खुल चुकी होगी तो जो जो देखेगा जैसे देखेगा साथ साथ पकड़ खरीदते रहेंगे। तो गाइस मार्केट से तो कुछ नहीं मिला तो हमने बोला इतनी गर्मी है तो गर्मी में मरने से अच्छा लेमन पी ली जाए। सो इट्स लेमन टाइम। गाइज हमें यहाँ पे आए हुए अप्रॉक्स 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग में फंकी में ये वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी ढूंढ रहे हैं अगर कुछ मिल जाता है फंकी सा तो दिखाते हैं आपको, अदरवाइज हमें घर जाना पड़ेगा खाली आते हैं। गाइज पूरा दिन मार्केट घूमने के बाद फाइनली हमें कपड़े मिल गए, सारे नहीं मिले बट कुछ कपड़े मिल गए। जो हमें जीन्स चाहिए थे मेनली लुधियाना लेवल पे, आई डोंट थिंक सो वैसे मिलती होंगी। और अभी मैंने शो नहीं करी है बिकॉज आपको डायरेक्ट वीडियोज़ में दिखाएंगे। और मैंने कार्ड भी ले लिया, इसका मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ, न्यू पेंटलूम शोरूम के सामने है, मतलब ग्राउंड पे है इनका, अंडरग्राउंड बोल सकते हो आप, अंडरग्राउंड में इनकी है शॉप। शॉप का नाम है मास्टर कलेक्शन, वहाँ पे जाके आप एकदम मस्त मस्त कपड़े वपड़े वो देख सकते हो, मतलब कपड़े नहीं मेनली जीन्स डेनिम्स। और अभी हम जा रहे हैं दोबारा से पालिका बाजार शायद, ताकि हमें ऊपर के भी जो अपर के भी हमें चाहिए वो भी कपड़े मिल जाएँ, बॉटम के तो हमने ले लिए हैं, और कुछ अलग से मिलेगा तभी लेंगे। और उसके बाद हम लेने वाले हैं ट्रेन। खाने पीने का हमारा शेड्यूल हम बना नहीं पाए क्योंकि सामान खरीदते खरीदते ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, सो कोई पॉसिबिलिटीज दिख नहीं रही हैं कि यहाँ की फेमस चीज़ें मैंने बोला था हम खाएंगे या करेंगे, बट फिर भी देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाता है तो एक बार ट्राई करते हैं, तो चलते हैं। गाइस नाउ वी आर एट मेट्रो, अभी हम जाने वाले हैं पालिका बाजार, उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट ट्रेन के लिए या बस के लिए जो फाइनलाइज होता है हमारा, और कुछ खाए पिएंगे। गर्मी बहुत थी, ऑलमोस्ट अब शॉर्ट था, बट अभी जा रहे हैं, भीड़ देख लो अब कितनी है, इतनी लंबी लाइन है। क्या करूँ पहले चलता हूँ फिर बताता हूँ क्या करना है। गाइस फाइनली वी रीच एट CP कनॉट प्लेस, इसके पास ही है पालिका बाजार, ओवरव्यू देख लो। और मास्क तो भाई साहब तुक्के से मैंने चढ़ाया हुआ था, अभी अभी मेरे सामने दो लोगों का 2-2 हज़ार का चलान हुआ है, उसने गुलाबी पत्ती निकाली है जेब से दी उसको, वो रहा पालिका बाजार, वो पालिका बाजार ही है। तो अभी हम जा रहे हैं पालिका बाजार, वहाँ से लेंगे कपड़े वपड़े, मतलब ऑलमोस्ट ले लिया जो रहता है वो लेंगे, उसके बाद खाने पीने का भी कुछ देखते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। ठीक है अंदर जाके कपड़े भी दिखाता हूँ आपको, रुको वेट तो करो। गाइस पालिका बाजार में तो मतलब मज़ा ही आ रहा है, बहुत कैंट कैंट अलग लेवल के कपड़े, बहुत मस्त, जस्ट 1000, सो इट्स अमेजिंग सीरियसली। गाइज क्या ही बताऊँ, इतने मस्त मस्त कपड़े, इतने सस्ते अरमान, बहुत सस्ते कपड़े। अंदर वीडियो तो अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया, पर मैं आपको बता तो सकता हूँ क्योंकि उनका रेट ख़राब होता है इसलिए वो बताने नहीं देते। तो गाइज वहाँ पे अप्रॉक्स आप लगा सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ 10,000 की है तो उसके आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर कोई 10,000 की चीज़ उस पर कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? मिनिमम टू मिनिमम मेरे हिसाब से 5-6,000 तो मिल ही जाएगा, अगर आप बंदे मेरे जैसे हो। हाँ अगर आप हमारे जैसे हो तो हमने 10,000 वाली चीज़ 1,500-2,000 इतने मिली है मैक्स टू मैक्स, और बहुत अच्छा खासा रेट कर रहा है। अभी लोग ये ना समझे कि आप भी रेट करते हो, आप भी बार्गेनिंग करते हो, तो वो मैंडेटरी रेट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमें करना ज़रूरी है।
और उसके अलावा भी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अप्रॉक्सिमेट 12-1 बजे तक घूम रहे थे, मूड बहुत ऑफ हो चुका था क्योंकि हमारा मेन यहाँ आने का सिनेरियो शॉपिंग ही था। बट फाइनली पालिका बाज़ार आके हमारी को जो उदासी थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई और बहुत बेनिफिशियल प्राइस में। तो अभी गाने शुरू हो गए, कॉपीराइट आ जाएगा, इसको मैं करता हूँ बंद और अभी हम आए हैं रू बर्गर में, वहाँ पे खाए पियेंगे उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अमेजिंग रू की बाहर में हम खड़े हैं कतार में, कतार बहुत लंबी है, आइए आपको दिखाते हैं। क्या करें नहीं समझ आ रहा क्या करें, गाइस बहुत लंबी कतार है। इसके बाद हमें अभी बस का भी नहीं पता है कब मिलेगी कैसे मिलेगी और कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है एक्चुअल में, बट कर लेंगे इसमें कुछ, रात के बन दूंगा आई थिंक 11-12 बजे। सो लेट्स सी, एज यू ऑल नो कि हमें VIP ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, सब खड़े हैं, आप देख ही सकते हो, तो कोई बात नहीं, आप भी हमारे साथ रहोगे ऐसे देखते रहोगे हमें तो आपको भी बहुत जल्दी से VIP ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो गाइस हमने बड़े जुगाड़ के साथ अपनी जगह एकदम रख लिया यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हम थक चुके हैं, इतना सारा सामान है। सामान देख लो आप, 1, 2, 3, 4 शॉपिंग करिए भर भर के, ठीक है। अभी तो दिखाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, घर पे जाके दिखाऊंगा क्या क्या लिया कैसे कैसे लिया, तो दिखाते हैं आपको। पर अभी फ़िलहाल के लिए हम वेट कर रहे हैं कि फटाफट हम बैठे मेट्रो में और चले यहाँ से क्योंकि अभी हमें जाना है गुरुद्वारे। गुरुद्वारे में हमने अपना सामान रखा था कुछ, वो सामान उठाना है, मत्था टेकना है और उसके बाद हम जाने वाले हैं बस में घर। यार देख तो मुझे बात नहीं समझ आ रही इसकी, मुझे कोई सेंस ही नहीं लग रही मतलब चीज़ की। अब लाइन देख सकते हो, ये लाइन सिर्फ लड़कों के लिए है, जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल आराम से अपना जा सकती हैं, लड़कियों के लिए एकदम आराम है। देखो जैसे जा रहे हैं वहाँ से इनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी और डायरेक्ट चले जाएंगी मेट्रो में। तो आई डोंट नो ये क्या सेंस है, क्या सिनेरियो है इनका। तो कोई दिल्ली वाला अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ ये सीन क्या है यार तुम्हारा। तो अभी हम फिर से एक बार दोबारा लाइन में लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी आए तो हम अंदर जाएं। Finally at home. तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं घर। रात को हम एक्चुअली बस का हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे बसेज जो अवेलेबल थी, पहले ट्रेन हमने बुक करी थी वो हमारी मिस हो गई थी, उसके बाद जो हमने बसेज बुक करनी थी या फिर बस में ट्रैवल करना था तो वहाँ पे टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। 10 मिनट का रूट शो करते हैं उसमें 1 घंटा लग जाता है, 1/2 घंटा लग जाता है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे बस स्टैंड पे तो उन्होंने बोला कि ये बस है आप इसको ले सकते हो, पर ये बस चलेगी अप्रॉक्स 9:50 पे, उस टाइम बच चुके थे 7। हमने बोला इतनी देर क्या करेंगे, उन्होंने बोला ऑप्शन नहीं है आपको देखना पड़ेगा। तो जिस स्टैंड पे हम खड़े हुए थे जहाँ पे लुधियाना की बस आनी थी वो अवेलेबल ही नहीं थी, वहाँ पे आई नहीं रही थी और लोग बोल रहे थे कुछ फिक्स भी नहीं है कब आएगी कैसे होगा क्या रहेगा, या तो लोग बताना नहीं चाह रहे थे या जो भी सीन था। तो हमने एकदम रैंडम 10-15 मिनट वहाँ पे बैठ के फिर दूर से देखा कि शायद वहाँ पे हो सकता है कुछ जुगाड़, तो हम जलंधर वाली साइड जो एक स्टॉल लगा था जलंधर की बसों के लिए वहाँ पे जाके पूछा तो वहाँ पे हमें मिल गई बस, पर बस ने हमें रास्ते में उतार दिया था, मतलब एज अ प्रॉपर स्टेशन बस स्टैंड या ऐसी कोई हाईलाइटेड प्लेस नहीं थी जहाँ से हम अपनी कैब या कुछ जैसे बुक कर सकते। पर उसके बाद हमें फिर नियर बाय जैसे भी रहा हम पहुँच गए फाइनली, बट फाइनली हम 4 बजे तक पहुँच गए थे घर, मतलब अरमान के घर पहुँच गया था मैं। एंड उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक रखे थे तो ब्लॉक तो बिल्कुल पॉसिबल था ही नहीं, और ओवरऑल रूट आपको भी पता है कि लाइटनिंग का कितने प्रॉब्लम होता है तो बना नहीं सकते हैं। तो उसके बाद मॉर्निंग उठ के फ्रेशन अप हो के घर पे आके नहा धो के अभी ब्लॉग शूट हो रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ है कैसे कैसे रहा है। तो ओवरऑल मैं कहना आपको यही बताना चाहूँगा कि दिल्ली क्राउड के मामले में थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, मतलब एज ट्रैफिक बहुत होता है वहाँ पे, बट क्लोथिंग के मामले में कुछ कुछ प्लेसेस जब हम स्टार्ट में गए थे तब हमें बहुत ज़्यादा लगा कि यार कुछ नहीं मिल रहा है क्या हो रहा है कैसे सीन है, बट उसके बाद जब हम घूमते गए थोड़ा थोड़ा देखा हमने एक्सप्लोर किया तो हमें कुछ चीज़ ऐसी मिल गई जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती हैं, वो मैं आपको भी श्योर नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्ट वीडियोज़ में या एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं फटाफट इसको एडिट करता हूँ क्योंकि आज का ब्लॉग भी करना है शूट हमें। So this is the end of our video. Hope you guys love it. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है, किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए ये भी जरूर बताया करें आप, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरेक्शन हमसे तभी हो पाएगा अगर आप हमें बताएंगे
उस तरीके हम आपके लिए कंटेंट ला पाएंगे। और नए ब्लॉग के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।